कब आप सक्सेसफुल हुए ये आपको मालूम कब पड़ेगा मतलब क्या गेज है आपके पास ऐसा तो ये आपको बताएगा कि दुनिया बताएगी आपको अगर दुनिया बताएगी तो आप सक्सेस को भूल जाइए क्योंकि आपसे सक्सेस ज्यादा सक्सेसफुल एक और है जो आपके ऊपर होगा और वो आपकी टंकी को कम कर देगा ऑटोमेटिकली जब अकबर ने कहा बीरबल से कि एक लाइन ड्रॉ की एक लाइन बनाई अकबर ने कहा इसको छोटा कर दो पर इसको काटना पीटना मत तो अकबर ने एक बड़ी ज़्यादा बड़ी कर दी अब वो छोटी हो गई तो अब सक्सेस तो सक्सेस होता है तो एक तो बात यह है दूसरा असली में उनका यह सवाल है कि क्या शांति पाने के बाद मैं एकदम वेजिटेबल ना बन जाऊं ताकि मेरा एम्बिशन जो है सक्सेसफुल होने का यही ख़त्म हो जाए क्योंकि मैं जिस माहौल में रहता हूँ वहाँ कंपटीशन चलता है सबेरे से ले शाम तक कई जगह तो ये कंपटीशन चलता है कि कौन पहले आया ऑफिस में <laughs> वो भी कम उसका भी कंपटीशन है और मीटिंग में पहले कौन आया पहला प्रपोजल किसने दिया प्रपोजल किसका एक मतलब तो एक के बाद एक एक के बाद एक कंपटीशन है और सबेरे से लेकर शाम तक कंपटीशन चलता है तो बात यह हो जाती है कि सबसे पहले अगर हमारे पास गेज ही नहीं है ये गेज करने के लिए कि हम हैं कहाँ और कितना हमको और करना है कि हम सक्सेसफुल हो जाए क्या वो एक पदवी है अगर आपको पदवी मिल गई आप अपने आप को सक्सेसफुल समझेंगे दूसरी बात क्या आपको अच्छी तरीके से मालूम है गारंटीड गारंटी guarantee के साथ मालूम है कि जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे तो आप फिर उसके बाद खुश रहेंगे अगर कोई आपको यह कहे कि आप जब सक्सेसफुल बन जाएंगे तो आपके ऊपर दुखों का इतना पहाड़ फूटेगा कि आप सहन नहीं कर पाएंगे मैं ये कह नहीं रहा हूं कि ऐसा होगा पर अगर कोई आपको यह कहे तो फिर भी आप सक्सेसफुल बनना चाहेंगे चलिए मेरा एक प्रश्न है मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ इसलिए कि आप, आप आप अपने दिमाग में इनका उत्तर दीजिए और अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि न्... मेरे को तो ये बताया गया था कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं खुश हो जाऊँगा और आप कह रहे हैं कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपका दुखों का पहाड़ टूट जाएगा और गारंटी तो किसी ने, ने नहीं दी तो फिर दोनों चीज़ें मुनासब तो आप सक्सेसफुल होना क्यों चाहते हैं या आप भी तालाब में कूद रहे हैं क्योंकि और भी कूदे हुए हैं और भी कूद रहे हैं तो आप भी कूद रहे हैं उनको देख के कूद रहे हैं तो चाहिए क्या आप, आप खुश होना चाहते हैं शांति में होना चाहते हैं या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए परंतु वो जो सक्सेस शब्द है जो लाइन है वो है कहाँ इस गेज के अंदर ये एक ऐसा गेज है जिसे पेट्रोल का होता है एक तरफ होता है ई e, ई e का मतलब हुआ एम्प्टी खाली एक तरफ होता है एफ फुल पूरा भरा हुआ है अगर आपके पास एक ऐसा गेज है जहां ना एफ लिखा है ना ई लिखा है तो आप जज कैसे करेंगे कौन सा क्या है और आपका अगर ऐसा गेज है कि खाली में भी आधा बताता है आधे में भी आधा बताता है और पूरा भरा हुआ है तब भी आधा बताता है तो वो तो अनरिलायबल गेज हो गया दुनिया ये है दुनिया के साथ हाल असली में यह आप अगर यह सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के बाद आपको इस दीवार पे नहीं जाना पड़ेगा यह बात बिल्कुल सच नहीं है वो वही की वही रहेगी और वहां तक पहुंचना है आपको और आप जरूर पहुंचेंगे चाहे आप कोई भी हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो प्रेसिडेंट हो डिक्टेटर हो या सबसे बड़ा क्रिमिनल हो या कोई संत हो कोई महात्मा हो सब कुछ जाना पर बात फिर यही आती है कि ये जो गलत फहमी है लोगों की कि अगर हमको शांति मिल गई तो हम ऐसे बन जाएंगे जैसे बस अब किसी चीज की जरूरत नहीं शांति डायनेमिक है शांति जीवन जीना सिखाती है एक्सप्लोर करना सिखाती है ये नहीं है कि बस आंख बंद है तो बस बस बंद है ना आंख बंद करना शांति नहीं है हृदय को खोलना शांति अपने आप को जानना शांति अपने आप को डिस्कवर करना शांति